नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अगस्त शुक्रवार सुबह 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय प्रकरण में हाईकोर्ट ने गुरुवार आए फैसले से गहलोत खेमे में चिंता है। अब हर सूरत में कांग्रेस को ये केस जीतना होगा और यदि किसी भी परिस्थिति में बसपा विधायकों की वोटिंग पर स्टे आ गया तो फिर कांग्रेस के लिए विश्वास मत जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। वैसे कई अंदाज में हाईकोर्ट का फैसला अनूठा है। कोर्ट ने सिंगल बेंच को केवल एक ही दिन में 11 अगस्त को सुनवाई करके स्टे एप्लीकेशन पर फैसला करने के क्लियर आदेश दिए। इसी के साथ ही 8 अगस्त तक बसपा विधायकों को नोटिस की तालीम होगी। पुलिस की सहायता से जिला जज तामील करवाएंगे। इसके साथ ही जैसलमेर और बाड़मेर के अखबारों में भी नोटिस प्रकाशित होगा। जैसलमेर में कांग्रेस के विधायक गुरुवार को शहर में घूमने निकले, वहीं महिला विधायकों ने कजरी तीज का त्यौहार मनाया। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन, रोहित बोहरा, निर्दलीय विधायक संयम लोडा ने जैसलमेर की सांस्कृतिक विरासत पटवा की हवेलियां देखी और उसके आकर्षण को देखकर उसकी सराहना करने लगे। इसके साथ ही स्थानीय गाइड भी थे। वहीं महिला विधायकों ने सूर्यगढ़ पैलेस में ही जैसलमेर की पारंपरिक कजरी तीज का त्यौहार मनाया। विधायकों ने आज भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया पर मेहंदी लगाकर और पूजा अर्चना की और त्यौहार का आनंद लिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले को एक बार फिर से एकल पीठ को भेज दिया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने बसपा और भाजपा विधायक मदन दिलावर की अपील पर सुनवाई करते हुए 8 अगस्त तक बसपा के सभी 6 विधायकों को नोटिस सर्व कराने की व्यवस्था की है, लेकिन साथ ही एकल पीठ को निर्देश दिए हैं कि वो 11 अगस्त का सुनवाई करते हुए उसी दिन बसपा और मदन दिलावर की याचिकाओं पर फैसला भी दे। खंडपीठ के इस फैसले के बाद फिलहाल तो मुख्यमंत्री खेमे को राहत मिल गई है, लेकिन अब 11 अगस्त को एकल पीठ का यह फैसला ही सरकार का भाग्य तय कर सकता है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर स्टे एप्लीकेशन पर एकल पीठ उसी दिन फैसला सुनाएगी। जैसलमेर जिले के पोकरण में लोक देवता बाबा रामदेव का लक्खी मेला कोरोना के चलते प्रशासन ने मेले को स्थगित कर दिया है। बाबा रामदेव का मेला 500 साल में पहली बार स्थगित किया गया है। प्रशासन द्वारा मेला स्थगित किए जाने पर भी श्रद्धालु रुणीचा धाम पहुंच रहे हैं। बाबा की समाधि में LED के माध्यम से श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। बीकानेर जिले के नोखा में पानी के कुंड में गिरने से विवाहिता की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि यह घटना RK पुरम में हुई। मृतका की पहचान जसोदा बिश्नोई के रूप में हुई है। मौत के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के BB और BBA माइनर टेलों पर 2 शव मिले हैं। सूचना पर गस्तिंगपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि 38 BB टेल पर 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जबकि 3 BBA टेल पर हाथ कटे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। एक ही दिन में यह शव अलग अलग स्थानों से मिले हैं। पुलिस ने बताया कि यह शव नहर में पीछे से पानी में बहकर आए थे। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात युवक करीब 70,000 रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई है। पाली जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से चोरी की 1 दर्जन बाइकें बरामद की हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि इनसे चोरी की और वारदातें खुलने की संभावना है। सिरोही जिले के आबूरोड थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के पिता ने SP को ज्ञापन भेजकर नाबालिग पुत्री का मेडिकल करवाने की मांग की है। ज्ञापन में जांच अधिकारी द्वारा मेडिकल नहीं करवाने के बारे में भी बताया गया है। SP को भेजे ज्ञापन में आरोपी अब्दुल करीम द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने का भी उल्लेख किया है। पुलिस ने दोनों को गत 24 जुलाई को गुजरात के डीसा से बरामद किया था।
उदयपुर जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार को ईमानदारी का वाकया देखने को मिला। लाखों की नकदी देखकर भी गोपाल की नियत नहीं डोली। जानकारी के अनुसार चावंड निवासी गोपाल चौबीसा जैसे ही चावंड स्थित ICICI बैंक के ATM में गया तो वहां 5 लाख रुपए खुले पड़े थे। गोपाल ने वो पैसे उठाकर बैंक मैनेजर को सौंप कर ईमानदारी का परिचय दिया। बैंक मैनेजर ने बताया कि कैश जमा करते समय कैश वैन की लापरवाही के चलते नकदी ATM में ही भूल गए थे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.